हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे कि मैं आप सब स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं अपन एसएससी मैथ्स के क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 37 लेके आया हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से है और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन उनकी कुछ कंडीशन होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2020 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर है होल, यानी कि पहले प्लस में फिर होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसाइन थीटा है और उसका होल स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस सेक थीटा और मल्टीप्लाई में कोसाइन थीटा और उसका भी होल स्क्वायर। कंडीशन ये दी हुई है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो हम इसमें जो रखेंगे थीटा इज इक्वल टू आपका 45 रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसका रीजन ये है कि थीटा बराबर 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है और टैन और कॉट की बराबर होती है और सेक और कोसेक की बराबर होती है। इससे हमें कैलकुलेशन करने में काफी मदद मिलेगी और हमारा आंसर भी आसानी से आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां अगर मैं साइन 45 थीटा लिख लिया, 45 रखूंगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 और सेक 45√2 होगी तो होल स्क्वायर प्लस यहां पर रखूंगा कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी आपका 1/√2 होगी। ऐसे ही कोसेक थीटा यानी कि कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी √2 होगी और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या होगा? देखिए 1 प्लस ये sec थीटा तो ये भी आपका sec 45 होगा यानी कि √2 आ जाएगी और ये cos 45 सॉरी cosec 45 तो ये भी आपका cos 45 cosec 45 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है तो √2 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। तो देखिए इनके नीचे 1 मान के अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपका √2 से √2 की गुणा होगी क्या आएगा 2 और 2 रे 3 यानी कि 3/√2 का होल स्क्वायर। सेम इधर ऐसे ही होगा 3/√2 का होल स्क्वायर और अपॉन में √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा और 2 और 1 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा आपका 9/2 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा। ऐसे ही सेम इधर 9/2 अपॉन में क्या होगा 9 हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा आपका तो 9 18 हो जाएगा और अपॉन में 9 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 18 और 9 2 18 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